कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी इस वक्त गुजरात के दौरे पर हैं। अपने चुनावी प्रचार में राहुल ने मोदी सरकार पर कई हमले किए और ना जाने कितने ही तंज कसे, कभी नोटबंदी पर, कभी जीएसटी पर या कभी विकास पर। लेकिन राहुल का इतने पर से भी मन नहीं भरा। राहुल ने आज ट्वीट कर पाकिस्तान में आतंकी हाफिज सईद की रिहाई और अमेरिका की ओर से पाकिस्तान सेना को लश्कर फील्डिंग मामले में क्लीन चिट को लेकर मोदी और ट्रंप की दोस्ती पर तंज कसा है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा, नरेंद्र भाई बात नहीं बनी, आतंक का मास्टरमाइंड आजाद, राष्ट्रपति ट्रंप ने लश्कर फंडिंग मामले में पाक सेना को क्लीन चिट दे दी, गले लगाने की नीति काम नहीं आई, जल्द ही और गले लगाने की जरूरत है। राहुल ने अपने एक ट्वीट से मोदी सरकार को कई मोर्चों पर घेरने की कोशिश की। बता दें कि शुक्रवार को आतंकी हाफिज सईद को पाकिस्तान कोर्ट ने रिहा कर दिया था। रिहा होने के तुरंत बाद हाफिज ने बयान दिया कि उसे भारत के अनुरोध पर अमेरिका के दबाव में आके गिरफ्तार किया गया था। और हाल ही में अमेरिकी कांग्रेस ने पाकिस्तान को 70 करोड़ डॉलर की आर्थिक मदद देने का फैसला भी किया। इन मुद्दों के चलते ही राहुल ने मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती पर तंज कसा कि अभी और गले मिलने की जरूरत है। अब राहुल गांधी ने चुनाव से हटके भी मोदी पर तंज कसा है और साथ ही ये भी साफ हो गया है कि राहुल मोदी पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ेंगे। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें स्वेन टुडे। हमारे और नए अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकन ताकि कोई वीडियो मिस ना हो।